दोस्तों अभी हमें एक भाई मिले हुए हैं। रोड पे साइकिल चलाते हुए बसपा यानी हाथी का प्रचार कर रहे थे और हमें कुछ नहीं शोभा दे रहा है। हमें अपने बहन जी के लिए, हम अपने शरीर को मान्या बहन जी से मैं कसम खाया हूँ कि जब तक आपको मैं सांसद ना बना, आजमगढ़ बहुत विस्तार रूप है मेरी बहन, हमको देखने वालों ने कहते हैं कि साइकिल चला करके अब बेहतर नगर से 6 बजे से मैं साइकिल चलाया हूँ। मेरे नौजवान साथियों, आज मुझे बड़ा गर्व हो रहा कि मानवर मसीहा कांसी राम ने साइकिल चला करके हमारे बहुजन को, लोगों को जगाने का काम किया। आज हमें इस आजमगढ़ में लोकसभा सांसद, प्रिय सांसद घनश्याम चंद जी का आगमन होने वाला है आजमगढ़ में। तो मेरे नौजवान साथियों, झंडे पर बहुजन समाज पार्टी, मानवर मसीहा कांसी राम जी, बाबा साहब, बहन जी, ये तीनों लोगों की अस्थि लगाई गई। तो आज बहुजन समाज पार्टी के हर कोने कोने में चलने वाले संदीप कुमार गौतम जो अम्बेडकर नगर के भूमिका को निभाने वाले हैं, तो ऐसे लोगों से मेरा निवेदन है कि आने वाले दिनों में 25 मई को हाथी के सामने वाले बटन दबा करके जो आपके प्रत्याशी होगा उसको यहाँ से सांसद बनाएंगे। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। हेलो दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय आप सभी लोगों को। दोस्तों अभी हमें एक भाई मिले हुए हैं, रोड पर साइकिल चलाते हुए बसपा यानी हाथी का प्रचार कर रहे थे। तो आइए आज इनसे मुलाकात करते हैं, कहां से चल के आ रहे हैं प्रचार करते हुए। तो देख लीजिए हमारे सामने बैठे हुए, स्वागत है आपका, आप बताइए अपने बारे में हमारे दर्शकों को, कहां से आ रहे हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप कुमार गौतम है, 280 विधानसभा क्षेत्र भरतपुर के रहने वाला हूँ मैं जी। मैं आपके आजमगढ़ में, मैं सुबह 6 बजे से साइकिल चला करके यात्राओं को मैं आगे सफलता बना रहा हूँ। गांव चलो अभियान चल रहा है जी। तो आप प्रचार के अलावा और क्या करते हैं? प्रचार के अलावा और हमें कुछ नहीं शोभा दे रहा है। हमें अपने बहन जी के लिए, हम अपने शरीर को मान्या बहन जी से मैं कसम खाया हूँ कि जब तक आपको मैं सांसद ना बना करके भेजूँ तब तक मुझे चैन नहीं है जी। ठीक है जी। इस नाते कि अम्बेडकर नगर आजमगढ़ की दस्ताओं से मेरा निवेदन है कि मान्या बहन जी प्रधानमंत्री बने, हम लोगों का सम्मान हो, नहीं आने वाले समय में हम लोगों का कमर में झाड़ू मिटकी लटकाई दी जाएगी। यही मोदी जी सोच रहे हैं कि हम कितनी जल्दी अपना संविधान पा करके हम बहन जी का यहाँ से हटाना चाह रहे हैं। बल्कि बहना ने सोच रही है कि अगर मैं यहाँ से हट जाऊँगी तो मुझे कभी चुनाव लड़ने के लिए नहीं हिम्मत रहेगी, क्योंकि यही लोगों ने कह रहे हैं। बल्कि कुछ नहीं होगा, हम लोग टाइट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आप सभी लोग को या छोटा सब लोग था, हमने दिखा आप सभी लोग को दिखाया कि भाई साहब बहुत ही मेहनत कर रहे थे। और तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। आप सभी लोग जय भीम, नमो बुद्धाय। क्या पता क्या हटेगा।